आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, अब तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा। तनवीर की खास खबर पर एक नजर। 13वें प्रोफेशनल फोरम की ओर से टीपीएफ सिविल सर्विसेज स्टडी सेंटर से निकले आईएएस अफसर, उनका सम्मान समारोह फिक की सभागार में आयोजित किया गया। देखते हैं खबर विस्तार से। आचार्य श्री मार्ग श्रमण जी के आज्ञानुवर्ती मुनि श्री जयंत कुमार जी वहां विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने बताया 13वें प्रोफेशनल फोरम जैन समाज के तोरा पंथ धर्म संघ की बौद्धिक संस्था है। आज यहां से सम्मान प्राप्त करता देश के संचालन में ईमानदारी के आदर्श बने, अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़े रखे श्री राजेश खिवसरा व टीम ने संस्था का थीम सॉन्ग गाया। डॉक्टर कुसुम लुनिया ने संस्था के परिचय में कहा कि डॉक्टर CACS, MBA, इंजीनियर, एडवोकेट, IAS, IPS, PhD आदि प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जिनके अंदर जज्बा तो है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उन बच्चों के लिए क्या मतलब संस्था के माध्यम से या आपकी मतलब पर्सनल मिल गया जो ऐसी संस्था है दादू जी, आज आप इस सेमिनार संस्था है तो जैन समाज के जितने बच्चे हैं डिप्राइव्ड हैं जिनको IAS एग्जाम पास करने के लिए जो जो फैसिलिटी चाहिए 20 महीने की रहना खाना ट्रेनिंग सब दी जाती है और बहुत बहुत मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम है और इसमें जितने बच्चों को मदद हो सके अच्छा है। ऐसा प्रोत्साहन अगर बच्चों को मिलेगा ऑटोमेटिकली उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, उनकी एबिलिटी क्रैक दिस डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा। तो मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संस्था के द्वारा और बहुत से बच्चों का कल्याण। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।